हेलो गाइस, कैसे हो सब? तो वेलकम टू द संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी ने कल की क्लासेस देख ली होगी, और अगर उस क्लास में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। आप सभी लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हो कि मैम यहाँ पे डाउट हो रहा है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट क्लास में आपके उस डाउट को क्लियर कर दिया जाए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, संपूर्ण क्लासेज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इसमें आपको भी थोड़ा ना इंडल्ज होना पड़ेगा। अगर आपको कोई क्वेरी होती है या कुछ लगता है, किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूज़न लगता है, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा, तभी मैं समझ पाऊँगी कि आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग भी इंडल्ज होइए, मुझे अपनी क्वेरीज बताइए, या कोई भी चीज़ आप चाहते हैं मुझसे कि मैं उसको इंक्लूड करूँ इन क्लासेस में, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। अगर मैं आप लोगों की एफ़र्ट डालूँ तो आप भी कुछ मेरे लिए एफ़र्ट डालिए, और मुझे बताइए कि मैम हमें कहाँ दिक्कत हो रही है, क्या कहाँ दिक्कत नहीं हो रही है। और अगर आपको क्लासेस अच्छी भी लग रही है तो वो भी मुझे बताइए, ठीक है? तो आप लाइक करिए, तो जिससे मुझे भी पता चले कि आपको क्लासेस पसंद आ रही है, क्योंकि यही एक मीडियम है हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का। जब भी हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो बच्चों से फीडबैक तुरंत मिल जाता है हमको, या हमको कोई डाउट होता है वो तुरंत पूछ लेते हैं हमसे। ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी ये दिक्कतें हमको होती है। बट चलिए, इस क्लास को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, उस पर्सन पे भरोसा ज़रूर रखिए जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। कौन सबसे ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है और वो कौन इंसान है, वो आप खुद हैं। तो सबसे पहले अपने पे भरोसा रखिए, फिर अपने टीचर्स पे भरोसा रखिए, और खूब पढ़िए और अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये क्लासेस आपके दोनों मीडियम में कवर होंगी, ठीक है? इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी, ठीक है? तो चलिए, जब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की या हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो पहले हम एक दो लोकेशंस देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि वहाँ के लोग रहते किस तरीके से थे। अगर वो सिविलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं, सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो किस बेसिस पे हम उस समय के लोगों को सभ्य कह रहे हैं या उस सोसाइटी को सिविलाइज्ड कह रहे हैं, और उस सोसाइटी को अगर हम आगे चल के देखते तो हम कहते हैं वहाँ अर्बनाइजेशन था। किस बेसिस पे, कौन कौन सी कैटेगरीज है जिसके बेसिस पे हम कह रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन आपकी एक नगरी वहाँ पे एक नगरीकरण था, मतलब अर्बनाइजेशन था वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हम धीमे धीमे पढ़ते रहेंगे। तो कुछ लोकेशंस देखिए, जो कि जैसे मैंने कहा ये आपका नॉर्दर्न, ठीक है, नॉर्थ, ठीक है, दिस इज साउथ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये कुछ लोकेशन है जो आपके एक्सट्रीम नॉर्थ में है, तो वो आपका मांडा, जम्मू एंड कश्मीर, चेनाब नदी के पास, हिंडन नदी के पास उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, फिर उसके बाद जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो दैमाबाद, फिर यहाँ पे आप जब बलूचिस्तान की बात करेंगे तो सुतकंडोर, ठीक है, ये आपका दशमक नदी के पास है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो आप अपने दिमाग में ऐसे ही बिठा के रखेंगे, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में। तो चलो अब हम बात करते हैं कुछ और लोकेशंस की हड़प्पन सिविलाइजेशन की। एकदम परेशान मत होना, मैं सब चीज़ डिस्कस करूँगी, बस जैसे जैसे बोल रही हूँ उन सब चीज़ों को एक बार सुनते हुए चलो, क्लास के एंड तक आपको खुद समझ में आएगा कि चीज़ें आपके लिए कितनी क्लियर हो चुकी हैं। चलो तो मैं अब आपको बताती हूँ, जैसे ये लोकेशंस देखो एक बार, मांडा, जम्मू एंड कश्मीर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, राखीगढ़ी, हड़प्पा, ठीक है, ये कालीबंगा, यहाँ लोथल, डोलावीरा, कोटदीजी, ठीक है, आमरी, मोहनजोदारो। तो ये कुछ लोकेशंस हैं आपके मैप में, इसको बस ऐसे ही देखिए। तो चलिए हम एक बेसिक उससे चलते हैं कि वहाँ के लोग किस तरीके से रह रहे थे, या वहाँ के लोग किस तरीके के कपड़े पहनते थे, किस तरीके की ज्वेलरीज पहनते थे, एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। जब मैं बात करती हूँ आपके बीड्स और ऑर्नामेंट की, मतलब मोती और गहने की, तो आप एक चीज़ देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में कि मेन एंड वीमेन दोनों अपने आप को डेकोरेट करते थे, मतलब सजते थे, किससे, वेरियस ऑर्नामेंट के यूज़ से, मतलब गहने वो लोग पहनते थे, ठीक है, ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते थे। और ये ऑर्नामेंट्स किससे बने रहते थे, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ये ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए वो लोग प्रीशियस मेटल्स का यूज़ करते थे, जेम स्टोन्स का यूज़ करते थे, बोन्स का यूज़ करते थे, और मिट्टी को पका के भी वो क्या करते थे, गहने बनाते थे। यहाँ पे आप देखोगे कि वो लोग नेकलेस भी पहने हैं, ठीक है, आमलेट्स पहने हैं, फिंगर रिंग्स पहने हैं,
ठीक है। हिंदी वालों के लिए जैसे मैंने कहा हार पहने हैं, बाजू बंद पहने हैं और उंगलियों में छल्ले भी इन्होंने पहने हुए हैं, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें मैं आपको फोटोज़ में आगे दिखाऊंगी, पहले एक बार सुन लो। और सबसे ज़्यादा एविडेंस अगर हम देखें बीट इंडस्ट्री की हम बात करें, मतलब अगर हम बात करें आपसे कि कहाँ पे आपकी बीट इंडस्ट्रीज़ मतलब मोतियाँ जो आपके ऑर्नामेंट से कहाँ पे बन रहे हैं, तो दो प्लेसेस का नाम बहुत ज़्यादा ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। माना जाता है यहाँ पे आपके बीट इंडस्ट्रीज़ मिल रही है, मतलब यहाँ पे इनका प्रोडक्शन हो रहा है, चान्हु दारो और लोथल। ये चीज़ याद रखना, चान्हु दारो और लोथल से ही आपके बीट्स मतलब ऑर्नामेंट्स जो भी हार वार बनते थे वो आपके हरप्पा मोहनजोदारो तक भेजे जाते थे। यहाँ पे जब तुम ऑर्नामेंट्स को देखोगे तो आप खुद देखोगे कि बहुत स्किल्ड वे में बहुत अच्छी तरीके से ऑर्नामेंट्स बनाए गए हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, ये लोग लिपस्टिक का यूज़ करते थे, ठीक है, लिपस्टिक का यूज़ करते थे। उसके बाद ये लोग सिंदूर का भी यूज़ करते हैं, आईलाइनर का यूज़ करते हैं, काजल का यूज़ करते हैं, इन सब के एविडेंसेस मिले हैं। चलो, तो मेरे बोलने से ज़्यादा ये पिक्चर्स आपको बोल के दिखाएंगी वहाँ की सभ्यता के बारे में, तो इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने आपको बताया चान्हु दारो में आपका क्या है, आपकी इंडस्ट्री मिली है, बीट्स इंडस्ट्री मिली है जहाँ पे बीट्स बनते थे, ठीक है। अब वो बीट्स किस तरीके से बनते थे थोड़ा सा उस चीज़ को जान, पिक्चर्स देखो। यहाँ पे आपके एक पत्थर की बात की गई है, कार्नेलियन की, ठीक है, CARNELIAN कार्नेलियन, ठीक है। ये इस तरीके का स्टोन आपका होता है, देखो इस तरीके का स्टोन होता है। इन स्टोन्स की हेल्प से कार्नेलियन बीट्स बोलो हेल्प से बोलो क्या करते थे, इतनी बड़ी बड़ी बीट्स आपकी तैयार करते थे। इन बीट्स की साइज़ देखो गाइस, तो इन बीट्स को तैयार करने में हो सकता है माइट भी कि जब तुम इन स्टोन्स का यूज़ करके इतनी बड़ी बीट्स तैयार कर रहे हो तो कहीं कहीं वो टूट भी जाती थी, लेकिन माना जाता है कि वहाँ के जो वर्कर्स थे मोहनजोदारो की या चान्हु दारो इंडस्ट्री की हम बात करें, अगर स्पेसिफिकली उस लोकेशन की बात करें, दे वेयर वेरी स्किल्ड कि वो एक छोटे से स्टोन का हेल्प करके किसी भी तरीके से इतनी लंबी लंबी बीट्स बना रहे हैं। ये बीट्स अगर मैं आपको एक फ़ोटो में दिखाऊं पूरी माला, तो देखो इस तरीके की आपकी माला ये लोग बनाते थे, कितना खूबसूरत है, देखो देखो कितनी खूबसूरत है। जो बीट्स मैंने आपको दिखाई है वो बीट्स यही है आपकी, देख लो कितनी लंबी लंबी। और ये किससे बनती थी, मैंने ये भी आपको दिखाया, कार्नेलियन स्टोन से बनती थी, इन सब से बनती थी। तो ये चीज़ वहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, मैंने जैसे आपसे कहा कि ये बहुत सुंदर लॉन्गेस्ट बीट्स आपकी बना रहे, इसका मतलब जो वर्कर्स हैं दे आर वेरी स्किल्ड, वो बहुत स्किल्ड वर्कर्स हैं। तो चलो और देखो, इस तरीके की बीट्स भी आपको मिलती है। ये सब बीट्स आपकी हरप्पन मोहनजोदारो सब जगह मिली है, लेकिन माना जाता है चान्हु दारो और लोथल में आपकी बीट्स इंडस्ट्री थी। ये चीज़ मेरी बात याद रखना तुम बस। चलो देख रहे हो कितना खूबसूरत, देखो इसमें डिज़ाइन भी बनी हुई है आपका, देख रहे हो डिज़ाइन बनी हुई है, कैसे कैसे डिज़ाइन बनी हुई है। चलो फोटोज़ देखते चलो, सब समझ में आएगा। अब इस पूरे ज्वेलरी में जो जो ऑर्नामेंट्स हैं ना, वो एक एक ऑर्नामेंट्स को मैं आपसे डिस्कस करूँगी। अभी मैं आपको बताऊँगी इन बैंगल्स के बारे में भी बताऊँगी, इन बीट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, तो अब आगे चलते चलो और हम लोग पढ़ते चलते हैं। देखो कितनी डेकोरेटिव कार्नेलियन बीट्स आपको मिली है इंडस वैली साइड धोलावीरा से, देख रहे हो किस तरीके से इन्होंने पैटर्न्स बनाए हैं। अच्छा, ये पैटर्न्स देखे क्या आपके मन में कोई भी थॉट नहीं आ रहा, कुछ तो थॉट आ रहा होगा कि मैम इसका मतलब इनको ज्योमेट्री आती होगी, हाँ, और धोलावीरा कहाँ है आपका, गुजरात में, ये सब चीज़ें याद रखना, ठीक है। तो आपको लग रहा है इन पैटर्न्स को देखे कि इनको कुछ ज्योमेट्री आती होगी, तभी ये सर्किल है, कितने सिस्टमैटिक तरीके से सिमेट्रिकल तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया इन बीट्स को। और ये बीट्स ये क्या करते हैं, ये हार में डाल के पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, माला पहनते हैं, ठीक है। देखो ये आपका इंडस कॉपर एंड ब्रोंज ट्रेडिशन वहाँ पे है, ये एविडेंस कहाँ से मिलेगा। जब भी मैं इंडस वैली सभ्यता की बात करती हूँ या हरप्पन सभ्यता की बात करती हूँ, तो आप याद रखिएगा कॉपर और ब्रोंज का तो यूज़ हो रहा है, बस आयरन का नहीं यूज़ हो रहा है ना, आयरन का नहीं यूज़ हो रहा है, मत करना यूज़, आयरन का यूज़ नहीं हो रहा है। तो देखो इस तरीके के आपके क्या मिले हैं, बैंगल्स मिले हैं, देख रहे हो ये बैंगल्स सबको दिख रहा है कितना खूबसूरत है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें सील्स की, ठीक है, सील्स की बात करें, मोहर की बात करें, मोहर की बात करें,
तो हिंदी वालों के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया मोहरों की बात, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आप एक चीज़ जानिए, इनके यहाँ जो मोहर मिलती थी वो मेनली आपके या तो स्क्वायर शेप की होती थी, सर्किल भी होती थी, कहीं कहीं ट्रायंगुलर शेप की भी है, कहीं कहीं रेक्टेंगुलर शेप की भी है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप की आपको क्या मिल रही है, सील्स मिल रही है, मोहर मिल रही है। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें कि एक कॉमन वे में किस तरीके की हरप्पन सील्स हुआ करती थी, तो वो 2x2 स्क्वायर इंचेस की हुआ करती थी। मेनली वो किसकी बनी रहती थी, सॉफ्ट रिवर स्टोन्स की या स्टेटाइट की बनी रहती थी। एक मिनट रुके रहना, मैं एक एक चीज़ बताऊंगी, मैं आपको वो चीज़ इस लेसन में बताऊंगी ना जो मेनली टीचर्स छोड़ देते हैं और बच्चे कहते हैं मैम स्टेटाइट क्या होता है, ये सॉफ्ट रिवर स्टोन क्या होता है, कार्नेलियन वो क्या होता है आपका। एक एक पिक्चर्स देख के आपका सारा डाउट क्लियर होता जाएगा। अब देखो मैंने और आपको क्या बताया, इन सील्स में मेनली आपके क्या एनिमल इम्प्रेशंस होते थे, जिसमें कि आपके एनिमल्स कौन कौन से हैं, आपके टाइगर, गोट, एलिफेंट, ये सब बने हुए हैं। कहीं कहीं सील्स आपकी गोल्ड और आइवरी में भी मिली हुई है। क्या होता है ये भी मैं अभी बताती हूँ, आइवरी क्या होता है। ठीक है, सम टाइम ट्रीज ह्यूमन फिगर्स भी आपके मिले हुए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट सील आपकी पशुपति की है और यूनिकॉर्न स्टील है, सील है। आप एक चीज़ बताओ, इतनी चीज़ जाने, अभी सब समझ में आएगा, एक मिनट बस सुनो, फिर अपना ऑब्जर्व करते रहना। मैंने कहा व्हाट वेयर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सील्स। देखो एक चीज़ जानो, हरप्पन सिविलाइजेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिले, जो भी राइटिंग्स मिली हैं, वो अभी तक डेसिफर नहीं हुई है। मतलब उनके उन्होंने ये क्या लिखा है इसको अभी तक किसी ने जान नहीं पाया है। ठीक है, उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं लोग, क्या लिखा है किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, वो सब चीज़ें अभी नहीं पता चली। लेकिन लोग हिस्टोरियंस क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही वो यहाँ पे भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं सील्स के बारे में, और उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया है, ये सील्स आपके ट्रेड एंड कॉमर्स में यूज़ होती थी, मतलब व्यापार में यूज़ होती थी। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कहा है, आपकी ये सील्स जो है ना एमुलेट की तरह यूज़ होती थी। मतलब जो आप लोग देखे होंगे, आपकी दादी वादी हम लोगों को ताबीज़ पहनाती थी, तो ताबीज़ की तरह भी ये यूज़ होती थी। और कहीं कहीं कुछ हिस्टोरियंस ने कहा है वो ये सील्स आपके एजुकेशनल पर्पस में भी यूज़ करते थे, कहीं कहीं आइडेंटिफिकेशन की तरह भी यूज़ करते थे सील्स का। तो सील्स का बहुत ढेर सारा यूज़ हर जगह अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो चलो अब सील्स देखते हैं। देखो आइवोरी की जब मैंने आपसे बात की थी, तो मैंने आपको बता दूं, जब मैंने आपको दो टर्म्स लिखे हैं, स्टेटाइट की बात की है और आइवोरी की बात की है, तो ये याद रखना ये आपके हाथी दांत है। ठीक है, और ये इस तरीके के आपके स्टोन्स मिलते हैं। तो इन सब का यूज़ करके हमने क्या किया है, हमने अपने सील्स बनाई है, हमने नहीं हरप्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने सील्स बनाई है। और प्लस आपके गोल्ड के भी सील्स कहीं कहीं मिले हैं, ये भी चीज़ याद रखना। इन सब टर्म्स में ना कंफ्यूज मत होना। चलो अब देखो कुछ सील्स देखो, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि एलिफेंट की तरह है। ठीक है, यहाँ पे तुम देखो क्या बना हुआ, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न है ना, ये यूनिकॉर्न, एक एक सींग है इसका। देखो देखो यहाँ बुल है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी है, जो स्क्रिप्ट लिखी है, ये स्क्रिप्ट अभी ना डेसिफर नहीं की गई है, मतलब अभी पता नहीं चल पाया है कि ये इन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, ये चीज़ देखो। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो सील है वो हम लोग कहते हैं पशुपति की सील। ठीक है, पशुपति, इनको पशुपति माना जा रहा है, जिनके यहाँ पे कुछ जानवर खड़े हैं। देखो यहाँ राइनो है, यहाँ बुफेलो है, यहाँ आपका क्या है एलिफेंट है, ये देखो एक टाइगर है, और ये किस तरीके की मुद्रा में बैठे हो, जैसे ये मेडिटेट कर रहे हैं, अपना पैर इन्होंने फोल्ड किया है और ये मेडिटेट कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ देखो, क्या ये सील्स आपको कुछ बता रही हैं? यस, ये बता रही हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन किन किन जानवरों से अवेयर थे। अगर ये पशुपति कुछ है तो कुछ इससे लोग कहते हैं कि दे माइट बी ट्रीटिंग हिम एज अ लॉर्ड, कुछ लॉर्ड की तरह इनको ट्रीट किया जाता होगा। ठीक है, जो पशुपति हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। इसी तरीके से यूनिकॉर्न सील, यूनिकॉर्न सील आपकी बहुत ज़्यादा मिली है, जिसमें कि एक सींग वाला ऐसे आपको यूनिकॉर्न है ये। ठीक है, ये तो ये आपकी बहुत ज़्यादा इसकी में मिली है, अमाउंट में मिली है। इसको मेनली ये लोग मानते हैं कि सेक्रेड, सेक्रेड है, सेक्रेड सील्स हैं ये। ठीक है, मतलब पूजनीय, पूजनीय है ये, पूजनीय, इसकी पूजा करते थे ये लोग, या इस सील्स को कुछ इन्होंने पूजनीय तरीके से बिलीव किया है, मतलब सेक्रेड फीलिंग्स इसमें लाई, बिलीव लाया इन्होंने, विश्वास लाया है, ये चीज़ याद रखोगे। चलो और देखो, ये आपके बिसन सील आपकी मिली है मोहनजोदारो से। ये जानवर तो सबने देखा ही होगा, जंगली,
देखो ये आपको मिली है। तो सील्स देख रहे हो किस तरीके से, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर के साथ साथ ही रेक्टेंगुलर सील भी आपकी मिली है। देखो रेक्टेंगुलर सील्स है, इसमें क्या आपकी बना हुआ है, कुछ बोट की तरह बना हुआ है ना, बोट की तरह, देखो बोट की तरह। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर आपकी डाली है ऐसे ही बोट, तो आप दोनों को कोरिलेट कर पा रहे हो ना। तो इसका मतलब कि हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग मेनली जब हम पोर्ट की बात करते हैं या डॉकयार्ड की बात करते हैं, गोदीवाड़ा की बात करते हैं, तो मैं आपको बताती ना गोदीवाड़ा कहाँ मिला है, लोथल में मिला है ना, लोथल में। तो मेनली हम बता सकते हैं कि वो लोग क्या ऐसे बोट्स का यूज़ करते थे और इन बोट्स से वो एक जगह से दूसरी जगह जाया भी करते थे। देखो अब देखो सील्स के पीछे आपको कुछ इस तरीके का बॉस मिला है। ये बॉस देखते ही हम सब के दिमाग में आया होगा, मैम यहाँ से थ्रेड डाल के, यहाँ से थ्रेड निकाल के ये लोग टाई करने के लिए यूज़ करते थे। तभी मैंने आपसे कहा है ना सील का कई पर्पज़ है, कहीं कहीं सील आपका ट्रेडिंग के लिए यूज़ हो रही है, कहीं कहीं सील आपका एमुलेट की तरह यूज़ हो रहा है, मतलब ताबीज़ की तरह यूज़ हो रहा है, कहीं कहीं वो खुद सील को पहनते थे खूबसूरत दिखने के लिए, ऑर्नामेंट की तरह भी यूज़ हो रहा है। तो अगर ये सील में ऐसे बॉस लगा हुआ है और ये बॉस जानते हो इस तरीके से बना है कि ये आपका वन थर्ड ऑफ द स्पेस ये आपका कवर कर रहा है। देखो इस तरीके से, देखो ये है ना, दिस इज बॉस, ये बॉस है और ये कितना एरिया आपका कवर कर रहा है, वन थर्ड एरिया ऑफ द सील ये कवर कर दे रहा है। इससे जानते हो क्या होगा, क्यों कर रहे हैं ये चीज़, कि अगर आपने सील पहनी हुई है तो आपकी सील पलटेगी नहीं, घूम नहीं जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा जो पेंडेंट तुम लोग पहनते हो या कुछ भी, तो वो घूम जाता है। तो अगर बॉस इस तरीके से रहेगा तो वो घूमेगा नहीं, एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इस वजह से आपके हिस्टोरियंस प्रेडिक्ट करते हैं वन थर्ड एरिया में बॉस बना हुआ है। चलो अब हम बात करते हैं, पहले छोटी छोटी बातें करते हैं ना, अभी मैं सब बताऊंगी, परेशान मत होना। फोटोज देखो, जो चीज़ बोल रही हूँ उसको कोरिलेट करो, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना। इसीलिए मैंने जब भी मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाती हूँ, मैं मैक्सिमम पिक्चर्स आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ, ताकि ना समझना ईजी हो जाता है। अभी मैं बोलती चलूँ तो हो सकता है आपके दिमाग में चीज़ें नहीं जाए। अब देखो वेट एंड मेज़र की बात करें, तो इस तरीके के आपके क्यूब शेप के स्ट्रक्चर्स मिले हैं। तो बोला जाता है कि वेट का ज्ञान था, ठीक है, वेट का ज्ञान था हरप्पन सिविलाइजेशन के लोगों को। द स्मॉलेस्ट वेट जो है आपका, जो सबसे छोटा वेट है उसका कुछ, अभी वेट अगर हम अब के ग्राम के हिसाब से देखें, अब उनका क्या मेजरमेंट था नहीं पता, वो 0.856 ग्राम्स है, ठीक है, ये चीज़ याद रखो। और आपका 13.7 ग्राम्स तक के आपको वेट मिले हुए हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और ये आपके मैक्सिमम 13.7 ग्राम तक के वेट्स आपको मिले हैं। तो देखो क्यूब की तरह है ना, देखो ज्योमेट्री का कितना खूबसूरत ज्ञान इनको पता था। अब चलो अब हम पॉटरी की बात करते हैं, पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन। तो किस तरीके के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, देखो बहुत ढेर सारी, बहुत अमाउंट में आपकी पॉटरी मिली है यहाँ पे। भाई पॉटरी की बात करें, बर्तनों की बात करें, तो मैंने आपको न्यूलिथिक एज में ही बताया था कि जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा तो बर्तन भी आने लगेंगे, वैसे यहाँ पे भी आपके बहुत ढेर सारे बर्तन मिलते हैं। अब बर्तन किस तरीके के मिलते हैं, कुछ बर्तन प्लेन भी हैं, कुछ बर्तन पेंटेड हैं, कुछ बर्तन आपके ब्लैक पेंट से पेंटेड हैं, कुछ बर्तन आपके रेड क्ले से मिले हुए हैं, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से, देख रहा मटकी है ये, क्या है आज के समय की ना मटकी, देखो सबको दिख रहा है। और ये सारी पिक्चर्स ना ऑथेंटिकेटेड सोर्स से मैं लेके आई हूँ, ये मत सोचना कहीं से भी ले आई हूँ, harappa.com आप जाइएगा देखिएगा, आपको और पिक्चर्स मिलेंगी। ये देखो ये कुछ ग्लास की तरह है ना, मतलब ये लोग कुछ पेय पीते थे, ठीक है, कुछ ड्रिंक्स पीते थे इस ग्लास में, देखो ग्लास के एविडेंस मिले। ये देखो प्लेट, कितनी खूबसूरत प्लेट, देखो इस तरीके की प्लेट्स आज भी हम यूज़ करते हैं। ये देखो ये जो बर्तन है आपके, उसमें आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने डिज़ाइंस बनाई हुई हैं, ठीक है, रेड कलर के स्टोन से इसको बनाया गया है, पॉलिश स्टोन है ये, पॉलिश पॉटरी है और इसमें डिज़ाइंस भी आपकी बनी हुई है। और क्या, एक मिनट, एक एक फोटोज ना गाइस देखते चलोगे ना तो आपके दिमाग में चीज़ें पर बैठती चलेगी, ठीक है। आपने प्लेट देखा, अब मैंने आपको पॉटरी दिखाई, देखो आप एक कोट दीजिए, मेरी बात समझो,
आपको दीदी से आपको एक इस तरीके का इम्प्रेशन मिला है। देख रहा कॉयल की तरह का, ये देखो ड्रॉ करूँ तो कॉयल है ना, ये कॉयल की तरीके का कुछ इम्प्रेशन मिला है। तो माना जाता है यहाँ पे कुछ आपका बास्केट वास्केट रहा होगा, कुछ ऐसे बास्केट रहा होगा आपका जो कि बहुत दिनों तक यहाँ रखा रहा होगा, तो इस तरीके का इम्प्रेशन उसमें पड़ गया है। तो देखो किस कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं एक चीज़ और कि हरप्पन सिविलाइजेशन से ना कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिसमें कि ऐसे छेद हैं, ऐसे बर्तन हैं बड़ा सा, उसमें छोटे छोटे छेद हैं। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि हो सकता है वो कुछ छानने वानने के लिए भी यूज़ करते रहे हों इन सब बर्तनों का। तो आप देख रहे हो किस तरीके के बर्तन मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें एंटरटेनमेंट का, क्या उनका कोई सोर्स था, क्या वो कोई गेम खेलते थे, तो इसका भी आंसर होगा यस, वो लोग गेम्स खेलते थे। छोटे छोटे बच्चों के लिए हो सकता है वो खेलते रहे हों। तो ये कुछ टेराकोटा के आपके स्ट्रक्चर्स मिले हैं, स्कल्पचर्स मिले हैं, देखो किस तरीके के, देख रहे हो ह्यूमन एंड एनिमल के चीज़ें, मतलब आकृतियाँ बनी हुई हैं आपके जो कि आपको मिला हुआ है। चलो ऐसे ही मैं एक और गेम की आपको बात बताती हूँ। यहाँ से चेस भी मिला है, अभी जब हम क्लास आगे करते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ चेस भी मिला है यहाँ से। ऐसे ही स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो डांसिंग गर्ल, इसको डांसिंग गर्ल कहते हैं। ये आपकी मेनली कॉपर की बनी हुई है ये डांसिंग गर्ल, इसके लॉन्ग हेयर्स हैं जो कि टाइड है। देखो गाइस एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ना उसको सुनो भी और फोटोज़ में देखो भी तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। मैंने कहा ये डांसिंग गर्ल, आपने कहा अच्छा। मैंने कहा देखो इसके बड़े बाल होंगे, को क्यों, क्योंकि इसने देखो अपने हेयर्स को क्या किया है, बांध के रखा है। एक हाथ में इसने कितनी ढेर सारी बैंगल्स पहनी, अपने लेफ्ट आर्म में इसने कितनी ढेर सारी बैंगल्स पहनी है, दिख रहा है ना सब सबको, ये देखो सब चीज़ें तुम्हारी क्लियर हुई। फिर उसके बाद मैंने आपसे और मैं क्या कह रही हूँ, मैंने आपको दिखाया कि ये देखो अपना इसने ये जो राइट हैंड है वो अपने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसने ज्वेलरीज भी पहनी हुई है, इसका एक पैर जो है वो इस तरीके से बेंड है। आँखें कैसी हैं, बड़ी बड़ी आँखें हैं, लॉन्ग नोज है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखते रहा करो कि अपना इसने अपना राइट हैंड हिप पे रखा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट हैंड में इसने खूब ढेर सारे बैंगल्स पहने हैं, ज्वेलरीज पहने हैं, इसके बड़े बड़े बाल हैं जो कि इसने जूड़ा बनाया है। तो देखो फैशन ना जूड़ा बना हुआ है, बड़ी बड़ी आँखें दिखाई गई हैं। मैंने आपको बताया ही है पहले कि ये लोग सिंदूर काजल, ठीक है, सबका यूज़ कर रहे हैं ये लोग। तो देखो कितनी अच्छी चीज़ है। चलो हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना है डांसिंग गर्ल के बारे में वो क्या है कि ये मोल्टन वैक्स टेक्निक से आपकी डांसिंग गर्ल बनती थी। अब पूछो कि मैम मोल्टन वैक्स टेक्निक क्या है, अब चलो इस पिक्चर से जब समझोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, जिसको जो भी डाउट होगा टेलीग्राम पे मुझे बताना। डायरेक्ट लॉस्ट वैक्स टेक्निक आपकी होती क्या है इसको समझो, ठीक है, ये होती क्या है। चलो माई पेन टैप इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, हाँ ओके नाउ इट्स वर्किंग, इट्स फाइन। चलो अब डायरेक्ट वैक्स लॉस टेक्निक आपकी होती क्या है तो इसको समझो। मेनली इसमें क्या होता है, क्ले के स्ट्रक्चर से आपका एक मॉडल तैयार कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एक फेस हमें बनाना है, ठीक है, तो हमने क्या किया, क्ले का यूज़ करके, मिट्टी का यूज़ करके फेस का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इस मिट्टी के स्ट्रक्चर पे वैक्स की कोटिंग कर दी, मोम लगा दिया, ठीक है, वैक्स की कोटिंग कर दी। वैक्स की कोटिंग करने के बाद हमने क्या किया, फिर इसके ऊपर आपके मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी का एक क्या कर दिया, मिट्टी का फिर एक लेयर लगा दी। मतलब मैंने सबसे पहले मड लिया, मड का एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके ऊपर वैक्स से उसकी कोटिंग की। वैक्स की कोटिंग करने के बाद यहाँ पे लगा हुआ है कुछ पिंस ऐसे लगा दिए जाते थे ताकि टूटे ना। फिर उसके बाद मैंने फिर मिट्टी की कोटिंग की है, क्ले की कोटिंग की है, इंग्लिश वालों के लिए क्ले और हिंदी वालों के लिए मिट्टी की कोटिंग की है। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, जब सूख जाती है मिट्टी तो हम इसको इन्वर्ट करके, उल्टा करके यहाँ से मोल्टन मतलब एकदम गर्म जो मेटल है, जैसे अगर वहाँ पे कॉपर का यूज़ किया गया है तो गर्म कॉपर एकदम खोलता हुआ इसमें क्या करते हैं, गिराते हैं। जिससे क्या होगा, जैसे ही गर्म कॉपर गिरेगा बीच में जो वैक्स थी, जो भाई जो मोम थी, वो क्या होगी, पिघल जाएगी और बह जाएगी।
और आपके जो बीच में दो क्लेस के बीच में जो गैप था वहाँ पे जो मेटल आपने डाला है वो सेटल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, उस मेटल को सूखने देते हैं। एक बार जब वो आपकी जो ये पीस ऑफ आर्ट है वो ठंडी हो जाएगी, जब ये फेस ठंडा हो जाएगा, हम ऊपर से मिट्टी की परत तोड़ तोड़ के निकाल देंगे और आपको लास्ट में क्या मिलेगा, मेटल का ये फेस मिलेगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप मड का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाओगे क्ले का, उसके ऊपर आप एक वैक्स की कोटिंग करोगे, वैक्स की कोटिंग करने के बाद फिर एक मिट्टी की कोटिंग करोगे, फिर उसके बाद जब ये सब सूख जाएगा तो आप इस पे मॉल्टन गरम गरम कॉपर या जो भी मेटल से आपको उसको बनाना है मेटल डालोगे। तो ये मेटल क्या करेगा, जो बीच में मोम था उसको पिघला के बाहर कर देगा और उसकी जगह लेते हुए वहाँ पे सेटल हो जाएगा। और जब ये पूरा स्ट्रक्चर सूख जाएगा तो हम तोड़ के मिट्टी को हटा के अपने मेटल की पीस हमको मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये मोहनजोदड़ो की आपके डांसिंग गर्ल मिली है। सोचो कितना भरपूर टेक्निक के बारे में बोलो, मतलब कितने बड़े टेक्नीशियंस थे बोलो। चलो और कुछ बात करते हैं आपकी। मेनली जब हम बात कर रहे हैं तो हमको दो, एक बियर्ड, देखो ये आपका एक मेल की आपकी मिली है एविडेंस, और एक टॉर्सो आपका मिला है, टॉर्सो मेन टॉर्सो जो कि रेड स्टोन का आपका बना, ये क्या है, मेन टॉर्सो है। तो चलो हम लोग इनकी बात करते हैं, प्रीस्ट की बात करते हैं। इनको पुजारी कहा गया है, क्यों पुजारी कहा गया है, पुजारी क्यों कहा गया, प्रीस्ट किंग बोला गया है इनको। अगर तुम लोग देखो, ठीक है, इनकी अगर तुम लोग फोटो देखो तो तुमको क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही है बताओ, एक मिनट सोचो क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही है तुमको। इन्होंने कुछ इस तरीके से अपने माथे पे कुछ पहना है, ठीक है। इनकी दाढ़ी देखो कितनी खूबसूरत तरीके से एकदम वेल ट्रिम्ड है, ठीक है, कितने अच्छे से इनकी दाढ़ी एकदम मेनटेन है। इनकी आँखें देखो कितनी बड़ी बड़ी है। इनकी शॉल देखो जो इन्होंने पहना है, देखो यहाँ पे भी इन्होंने ना आमलेट पहना है आपका, ये देखो शॉल देखो, और इस शॉल में देखो किस तरीके के पैटर्न बने हैं, देखो किस तरीके से, देख लो ज्योमेट्रिक पैटर्न कुछ इस तरीके से, और ये पैटर्न्स भी आपके शॉल में उभर के आ रहे हैं। आप ये चीज़ नहीं नोटिस करो, ये जो शॉल है इसके ऊपर ये जो पैटर्न है वो 3D लुक दे रहा है, कुछ उभर के आ रहा है। तो इसका मतलब आप क्या समझो, अगर हम इससे कुछ चीज़ें कोरिलेट करें या इमेजिन करें कि किस तरीके से ये दिखते थे, या इनकी शॉल जो थी वो सिंपल सा कपड़ा पहनते थे, या इस तरीके का 3D लुक आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ थ्रेड वर्क रहा होगा। इनकी दाढ़ी कितनी सेट है, इन्होंने ऑर्नामेंट्स भी धारण किए हुए हैं, शॉल इन्होंने वेल रैप की हुई है अपने लेफ्ट शोल्डर पे, ये कुछ प्रीस्ट की तरह इनका लुक आ रहा है। शॉल में आपके ट्रिफॉल्स बने हुए हैं जिसको कि ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं ये आपके, तो इसका मतलब हो सकता है शॉल में कुछ थ्रेड वर्क रहा हो जो उभर के आता हो ना, ये सब चीज़ें नोटिस करो। देखो अब यहाँ की हम बात करते हैं, जो इन्होंने यहाँ पे पहना हुआ है इसके ना, इसमें बोला जाता है यहाँ पे सेंटर में जो प्रीस्ट ने अपने फोरहेड पे पहना है, माथे पे पहना है, यहाँ पे मेनली आपका गोल्ड का यूज़ था, ठीक है, गोल्ड का, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे गोल्ड का यूज़ था सेंटर में, ऐसा बोला जाता है, हिस्टोरियंस बोलते हैं। ऐसे ही आपकी एक ये इमेज मिली हुई है, ये आपकी मदर गॉडेस इनको बोला जा रहा है। इनको मदर गॉडेस क्यों बोला जा रहा है, इन्होंने एक बहुत बड़ा सा मुकुट की तरह कुछ पहना हुआ है, इन्होंने दो नेकलेस पहने हुए, देखो यहाँ पे इन्होंने स्कर्ट भी पहनी हुई है, दिख रहा है आपको। देखो गाइस जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से देखते चलना, आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखो स्कर्ट की तरह इन्होंने कुछ पहना है, दो ज्वेलरीज पहनी है, यहाँ पे कुछ मुकुट की तरीके से है, और ये जो है, जो ये मूर्ति है, ये आपका रेड पेंटेड है। तो रेड पेंटेड है या पॉलिश्ड है ये हम क्यों कह रहे हैं, हो सकता है कि हरप्पन जो लोग थे उस समय के, वो इस मूर्ति को प्रिजर्व करना चाहते थे। प्रिजर्व मतलब चाहते थे कि ज़्यादा दिन तक ये मूर्ति बनी रहे, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे पेंट किया है लाल कलर से, ठीक है, ये सब चीज़ों की बात कही जाती है। चलो अब हम आते हैं कुछ चीज़ों से कि वहाँ के, अगर हम बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो या हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो आपकी नगर है या अर्बनाइज्ड है, ये किस बेसिस पे कहते हैं हम उसको जानते हैं। जो जो पिक्चर्स दिखा रही हूँ उसको ध्यान से देख के चलो और आराम से देखते हुए चलो। देखो एक पहले फोटोज़ देखो, एक बार कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कोई मुझे बताओ क्या दिख रहा है, मन में क्या आया देख के। अरे मैम ईंटें पड़े हुए हैं। अरे ईंटें पड़े हुए हैं, उस समय ईंटें बनते थे मैम। और क्या दिख रहा है,
मैम ये तो मिट्टी के ईंटे नहीं होंगे, ये बेक्ड ईंटे होंगे। अरे पके हुए पत्थर? बाप रे बाप, मतलब ईटा भी है, पत्थर भी है और पका हुआ पत्थर है, तभी तो अभी तक बचा हुआ है। अगर मिट्टी का पत्थर होता तो कब का एविडेंस गायब हो गया होते। चलो ईटा भी तुमने बोला, ठीक है, मतलब पत्थर है, ठीक है, पत्थर है, देखो ईंटे हैं, पके हुए ईंटे भी हैं तुमने बोला। मैम ये देखिए सारे ईंटों की साइज कितनी भरपूर है, जैसे कि आज के ईंटे बनते हैं, देखो कुछ दिख रहे हैं ईंटे, दिख रहे हैं सबको, और देखो साइज सबकी कैसी है। अरे यार बहुत तेज हो यार तुम लोग तो। और क्या है ये फोटोग्राफ देखो, 1922-27 की है, जब सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदारो को मतलब गए थे वो वहाँ के, उस समय की पिक्चर है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की। चलो ये देखो फोटोज देखते चलो। मैम यहाँ पे तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो अगर मैं पूछूँ तुम लोग से? मैम सब तो ठीक है, यहाँ पे रोड की तरीके से कुछ दिख रहा है और दिख रहा है फोर्टिफाइड है, मतलब क्या ये घिरी हुई है दीवालों से, दीवार बनी हुई है, मतलब अगर एक नगर बसाया गया है तो उसके किनारे किनारे दीवार भी बनी हुई है। हाँ वाओ बहुत तेज हो। ये वाला क्यों अलग से मैम फोर्टिफाइड है, कोई मुझे बताओ क्यों यहाँ अलग से एक दीवार बनी हुई है और यहाँ पे इस तरीके से? चलो इतना समझ में आ रहा है, ये आपके बानावली, ठीक है, आपके हरियाणा की फोटो है। अभी और बात करते हैं, परेशान मत हो। ये देखो ये सुरकोडा की फोटो है, गुजरात की। यहाँ पे भी तुम देख रहे हो किस तरीके से है, घर बने हुए हैं, आपके घर बने हुए दिख रहा है। ये आपके ना थोड़ा सा ये बाद में किस तरीके का उस समय का अर्बनाइजेशन रहा होगा उसका एविडेंस है, ये 3D पिक्चर्स है आपके, ठीक है, थोड़ी सी ऐसे। ये देखो यहाँ पे आपने क्या कहा, मैम यहाँ पे भी दीवार बना है, चलो दीवार बना है मतलब फोर्टिफाइड है। और क्या दिख रहा है तुम लोगों को मैम? लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ देखिए, दोनों जो चीज़ें हैं एकदम समतल है, मतलब इधर जिस तरीके से ऊंचाई और मतलब ऊंचा और नीचा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है और फोटोज़ देखो। इस फोटोज़ को देखने के पहले मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, एक मिनट, मुझे लगता है पहले मैं आपको ये समझा दूँ। देखो जब हम बात करते हैं आपके, किसकी हम बात कर रहे हैं आपके, अगर हम मोहनजोदारो की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे दो पार्ट में आपका जो पूरा जो स्ट्रक्चर हुआ करता था ना नगर का, वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहता था। एक आपका लोअर सिटाडेल होता था, ठीक है, एक आपका लोअर सिटी होती थी, ठीक है, लोअर सिटी, और एक आपकी अपर सिटी होती थी। अपर सिटी को हम क्या कहते थे, सिटाडेल कहते थे, एकदम आराम से समझना, मतलब थोड़ी ऊंचाइयों पे बने रहते, थोड़ा किले पे बने रहते, और एक आपके लोअर सिटीज होती थी, ठीक है, एक चीज़ याद रखना। देखो इस तरीके से ये जो मैंने आपको दिखाई, ये आपके लोअर सिटीज थी और यहाँ पे आपके सिटाडेल हुआ करते थे, मतलब थोड़ा ऊपर प्लेटफॉर्म पे बने रहते थे। अब हम बात करते हैं आपसे कि सिटाडेल में क्या हुआ करता था। सिटाडेल में लोग कहते हैं कि हो सकता है कि जो अमीर लोग रहते थे वो रहते थे, प्लस हॉल्स हुआ करते थे आपके, मतलब मीटिंग हॉल हुआ करते थे, कोई रिचुअल्स परफॉर्म करनी हो, जैसे कोई रिचुअल हो तो वहाँ पे परफॉर्म होता था, आपके ग्रेन का स्टोरेज हुआ करता था, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से अगर हम सिटाडेल की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से हुआ करता था। यहाँ पे सिटाडेल में क्या होता था, ये तो लोअर सिटी हो गई, चलो ये सब चीज़ें। अब देखो यहाँ पे ग्रेनरीज हुआ करती थी, ग्रेनरीज क्या, जहाँ पे आपके राशन को स्टोर करके रखा जाए, ठीक है। यहाँ पे थ्रेसिंग पिट्स का एविडेंसेस मिला, थ्रेसिंग पिट्स क्या, आपने देखा होगा औरतें ऐसे ऐसे कूटती हैं ना, धान को कूटती हैं, तो उसके लिए थ्रेसिंग पिट्स बने हुए हैं ऐसे ऐसे करके। यहाँ पे आपके रूम्स बने हुए हैं, ठीक है, रूम्स, अभी मेरी बात देखना, कुछ इस तरीके का आपका अगर एक स्ट्रक्चर दिखे, रूम्स बने हुए हैं जहाँ पे 7 रूम यहाँ है, 8 रूम यहाँ है, और ये आपका सिटाडेल है। सिटाडेल मैंने बताया आपको, जो अपर पार्ट ऑफ द सिटी होती थी उसको हम क्या कहते थे, सिटाडेल। सिटाडेल में बोला जाता है या तो प्रॉस्पेरस लोग रहते रहे होंगे, यहाँ पे कोई रिचुअल्स परफॉर्म होता होगा, हॉल होता रहा होगा, मीटिंग हॉल होता रहा होगा, ये सब चीज़ें, ये बेसिक स्ट्रक्चर अभी और समझ में आए। अब तुमने कहा, मैंने दिखाया आप लोगों को कि ब्रिक्स मिले हुए हैं, मतलब ये ब्रिक्स का यूज़ कर ही रहे हैं, पके हुए ईंटे का, प्लस ना ये दो ब्रिक्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, ये दो ईंटों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जिप्सम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये जिप्सम का यूज़ कर रहे हैं, प्लस इनके मॉन्यूमेंट्स में प्लास्टर भी किया गया है, और प्लास्टर में जो कॉम्पोजिशन है जो प्लास्टर का, वो बिट्यूमिनस का यूज़ किया करके इन्होंने प्लास्टर किया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। चलो अब स्ट्रक्चर्स को एक एक करके देखो और चीज़ें और अच्छे से समझो, ठीक है। ये देखो, ये आप देख रहे हो बनावली, ठीक है, ये देखो। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेट बाथ की, बात कर रहे हैं
ग्रेट बात की जब हम बात करेंगे, एक मिनट गाइस, मेरा लैपटॉप थोड़ा डिस्चार्ज हो गया है, मैं इसको चार्जिंग पे लगा दूं। चलो ग्रेट बात की बात करती हूँ मैं आप लोगों से। ग्रेट बात की ये देखो, कुछ इस तरीके से आपका ग्रेट बात बना है। ग्रेट बात का यूज़ क्या था, मेनली लोग कहते हैं कि हो सकता है यहाँ पे कुछ रिचुअल परफॉर्मेंस होती रही हो लोग नहाने के लिए। ग्रेट बात मतलब आज का स्विमिंग पूल, ठीक है। अब इस स्विमिंग पूल की ज़रा विशेषता देखो ना, क्या क्या इसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या वहाँ पर इंजीनियर्स इसको अच्छे से बना पाए कि नहीं। अभी देखो सब चीज़ें देखो, ये देखो यहाँ पर छोटी छोटी स्लोप्स की आपकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, दिख रहा है सबको सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, कैसे सीढ़ी बनी। इसी तरीके से इधर भी सीढ़ी बनी हुई है। देखो थोड़ा सा जो प्लेटफॉर्म है वो आपका रेज्ड है, तो अगर हम इसकी पूरी डेप्थ देखें तो ये डेप्थ आपकी 2.4, ठीक है, 2.4 मीटर्स की डेप्थ है इसकी, ठीक है। ये आपका क्या है, 12 मीटर्स का आपका ऐसे है और चौड़ा आपका 7 मीटर्स का है। ये बस मैं ऐसे बता दूँ, इसको याद वत नहीं करना। यहाँ पे ना आपके रूम्स भी बने हुए हैं। रूम्स जो बने थे बोला जाता है कि वो थोड़े चेंजिंग रूम्स की तरीके से थे, ठीक है, चेंज करने के लिए जो भी रहा हो। तो अगर हम ग्रेट बात की बात करें तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12 मीटर्स नॉर्थ साउथ, ठीक है, मतलब 12 मीटर्स ऐसे नॉर्थ साउथ में, 7 मीटर आपका इस तरीके का था और विथ मैक्सिमम डेप्थ 2.4 मीटर्स। ये सब मैंने आपको बताया। यहाँ पे छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई है, मैंने आपको दिखाया, जो कि मेनली टैंक पे जाती थी। ये देखो ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, ये देखो छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई टैंक की तरफ जाती थी। ये मेनली पूल था, ठीक है, पूल था, पानी का पूल था। तो द फ्लोर ऑफ द टैंक इज़ वाटर टाइट। इन्होंने बोला है जो टैंक का जो फ्लोर है, जो ज़मीन है, उसका बॉटम एरिया है वो मेनली आपका बहुत टाइट है, मतलब ब्रिक्स बहुत क्लोजली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ताकि लीकेज ना हो। और यहाँ पर जिप्सम प्लास्टर का भी यूज़ किया गया, जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, जिप्सम प्लास्टर का। और साइड वॉल वेयर कंस्ट्रक्टेड इन अ सिमिलर मैनर, साइड में वॉल भी कंस्ट्रक्ट की गई है ताकि पानी बहे ना, ठीक है। सुनते चलो, द टू मेक द टैंक इवन मोर वाटर टाइट अ थिक लेयर ऑफ बिटुमेन, देखो बिटुमेन नेचुरल तार जिसको बोलते हैं उसको भी यूज़ किया गया ताकि लीकेज ना, ठीक है। ये सब देखो, इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि आपके टू लार्ज डोर्स लेट इन टू द कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द नॉर्थ फ्रॉम द साउथ एंड अदर वॉज फ्रॉम द नॉर्थ एंड द ईस्ट। देखो इस तरीके से, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर रहा होगा बड़ा सा। ये सब चीज़ें बोली गई है। यहाँ पे लिखा गया है कि आपके ना यहाँ पे कुछ छोटे छोटे रूम्स भी बने थे, जिसको कि बोला जाता है कि हो सकता है आफ्टर बाथ वो उस रूम्स में जाते रहे हों, चेंज करते रहे हों, ठीक है, या हो सकता है एक दो बार स्विमिंग के बाद जैसे आप लोग जाते हो तो थोड़ा सा नहा वहा लेते हो, उसी तरीके से वो लोग भी नहाते वहाते रहे हैं, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर था। तो चलो अब हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं थोड़ा सा। ये देखो ये आपके कुछ एविडेंसेस हैं, मैं फोटोज़ इसलिए रखती ना बच्चे एकदम इमेजिन कर पाते। अगर मैं कहूँ ड्रेनेज सिस्टम है ये है फलाना है तो आपको समझ में तो आएगा लेकिन आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। ये देखो नालियाँ बनी हुई हैं, देख लो नालियाँ बनी हुई हैं, ये नालियाँ बनी हुई हैं हर घर में। तो ये नालियों में सबसे अच्छी बात क्या है, देखो पूरा प्रॉपरली कवर्ड है ये, देख रहे हो ईंटों से इसको कवर किया गया है इन नालियों को। और मैं आपको बताऊँ हर जो छोटी छोटी नाली है ना वो एक बड़ी नाली से अभी कनेक्टेड है, वो भी फोटो दिखाती हूँ। देख रहे हो किस तरीके से नाली बनी हुई है और इन नालियों को कवर भी किया गया था ताकि कहीं पर भी ब्लॉकेज हो तो एक पत्थर हटाओ फिर उस नाली को वहाँ से साफ कर दो। देखो पत्थरों से इसको इस तरीके से ढका गया है। ये देखो ये आपकी क्या है, ये आपकी ये भी एक नाली ही है। ये इतनी बड़ी नाली है, ड्रेनेज सिस्टम इतना बड़ा है कि एक आदमी इसके अंदर घुस के देख सकता है। देख रहे हो ये कॉर्बेट आर्क की तरीके की ये आपकी नाली है। मतलब पानी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। ये देखो ये एक एविडेंस है आपका टॉयलेट का, ठीक है, टॉयलेट का। ये भी आपके मोहनजोदारो में आपका टॉयलेट का एविडेंसेस मिला है, जिसमें कि बोला गया है कि ये टॉयलेट में मतलब जो भी यहाँ पे जो भी स्लम्स हुआ करते थे, गंदगी हुआ करती थी, वो जाके एक टैंक में आपके एक टैंक में जाके कलेक्ट हुआ करती थी, ठीक है। और यहाँ पे देखो ब्रिक में एक होल स्ट्रक्चर भी है आपका ऑन द टॉप। इससे क्या होगा, मेनली आपका जो भी, ठीक है, जो भी जो गैस फॉर्म हो रही है वो रिलीज हो।
चलो ये सब चीज़ें देखो किस तरीके से वेल कनेक्टेड है ना। अब ये देखो ये आपका वेल है, वेल मतलब कुआं बना हुआ, इस तरीके से कुआं बने हुए थे हर घर में, देखो कुएं बने हुए हैं। इस कुएं को और अच्छे से देखो तुम लोग, अभी दिखाती हूँ, ये देखो ये कैसे कैसे कुएं बने हुए हैं। तो आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं ये आपका वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक है, पानी को प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि हर जगह पानी आपको मिल सके, ठीक है, एसेस, इजी एसेस हो सके वाटर का। प्लस ये भी शो करता है कि आप पानी को भी सेव कर रहे हो, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना। देखो अब यहाँ पे ये देखो ये बाथरूम बना हुआ है बोला जाता है, बाथरूम को देखो ना कितना खूबसूरत। ये है यहाँ से ये आपका रेस प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा ऊंचा है। यहाँ पे देखो आपका ये थोड़ा नीचे की तरफ है, इसको इरेज करूँ फिर तुम लोग बताना, दिख रहा है तुम लोगों को ये क्या है? ये एक रेस प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इंसान खड़ा होके नहाएगा तो पानी यहाँ पे जाएगा, ठीक है, पानी ऐसे से गिरेगा, ठीक है, पानी यहाँ से कलेक्ट होके यहाँ पे ड्रेनेज है उसका, ठीक है, यहाँ से क्या पानी बाहर जाएगा। और मैंने बाहर की नाली आपको इसके पहले वाली फ़ोटो में दिखाई है, देखो किस तरीके की बनी हुई थी, एक बार देख लो, ये देखो अगर मैं बात करूँ यही स्ट्रक्चर पीछे की तरफ है आपका और ये एक नाली से कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है। और यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में आपको दिख रहा होगा एक छोटी सी नॉच की तरह बना हुआ है। नॉच का क्या पर्पस है? देखो नॉच बना हुआ है, ये देखो एक छोटा सा इस तरीके का कुछ है ना नाली, देखो, तो मतलब यहाँ से ना आपकी जो भी पानी है वो तो चला जाएगा लेकिन कोई गंदगी ना यहाँ पे आके रुक जाएगी, बैठ जाएगी, तो उस गंदगी को वो आराम से निकाल सकते हैं। कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं, अगर मैं आपको ऐसे ही बताती तो आप समझ तो जाते लेकिन आप इमेजिन नहीं कर पाते, इसलिए पिक्चर्स का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो जो मैंने आपको ग्रेनरी की बात की थी कि किस तरीके से राशन को भी ये स्टोर करते हैं, उसकी एक फ़ोटो देखो। ये हरप्पा की एक ग्रेनरी है, यहाँ पर मेनली 1 2 3 4 5 6 रूम्स इधर, ठीक है, 6 रूम्स आपके इधर बने हुए हैं और इन दोनों रूम्स के बीच में आपका एक जगह बनी हुई है ताकि यहाँ से लोग मतलब जा सके। देख लो सेंट्रल पैसेज वे, ठीक है, पैसेज वे बना हुआ है और ये आपके बेक्ड ब्रिक्स से यहाँ पे लगे हुए हैं। अब देखो ये जो रूम्स हैं इन रूम्स में आपको क्या दिखेगा, ये देखो क्या दिख रहा है, ये छोटे छोटे होल्स हैं ना, ये होल्स हैं ना, देखो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे, जो भी राशन आप यहाँ स्टोर कर रहे हैं वो सड़े ना, ठीक है, एक प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे, ठीक है, ये सब इन सब चीज़ों का कुछ यूज़ है जो आपको दिमाग में रखना है। चल तो अगर मैं आपसे कहूँ कुछ बातें बोलूँ 2-3 चीज़ें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं ना कहीं हम सोफिस्टिकेटेड कल्चर देख रहे हैं, हाँ सोफिस्टिकेटेड कल्चर है, मैंने उनके कल्चर के बारे में कैसे पता चल रहा, उनके कपड़ों से पता चल रहा है, ठीक है, वो किस तरीके का आपके ऑर्नामेंट्स का यूज़ करें, ये सब चीज़ों की बात मैंने आपसे की। मैंने आपको बताया कि उनके घर में पानी के लिए वेल हैं, टॉयलेट्स हैं, ठीक है, किस तरीके से आपके प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, रोड्स जो हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, इस तरीके से याद रखो, इस तरीके से रोड्स एक दूसरे को कट करेंगी ताकि ट्रैफिक ना हो, दिस इज़ नोन एज ग्रिड सिस्टम है, ठीक है। मैंने आपको ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो भी दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से, ये थोड़ी कि एक इधर का इधर है फिर ऐसे बन गया, मतलब प्रॉपर वे में मैंने आपको बताया ना, अगर 7 मीटर है तो दूसरे साइड भी 7 मीटर है, अगर 24 मीटर की डेप्थ है तो 24 मीटर की डेप्थ है। मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स जो है वो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं और उसके लिए हम लोग ने ब्यूटी मेनन और जिम्सन का यूज़ किया है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। मैंने ग्रेनरीज दिखाई कि किस तरीके से ग्रेनरीज आपके सीटाडेल में हुआ करती थी, ठीक है, ग्रेनरीज में ही सीटाडेल में लोकेटेड हुआ करती थी। मैंने आपको बताया कि ग्रेनरीज में ये क्या है, एयर डक्ट है, अगर इसको हम बोले एयर डक्ट का मेन पर्पज़ क्या है कि प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे, राशन सड़े ना, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। चलो अब देखो आपके कुछ जगह एविडेंसेस 2-स्टोरी बिल्डिंग के भी, 2-स्टोरी मतलब भाई 2-स्टोरी बिल्डिंग्स भी आपकी हुआ करती थी कुछ इस तरीके की। ये सब ना इमेजिनेशन है कि जो स्ट्रक्चर जो एविडेंसेस मिले हैं अगर हम उनको रिकंस्ट्रक्ट करें या हम थ्रू कंप्यूटर वे में उसको रिकंस्ट्रक्ट करें तो कुछ इस तरीके की इमेजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 2-स्टोरी बिल्डिंग भी है, ठीक है, देखो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है हर घर के किनारे, देख रहे हो, ये चीज़ मैंने आपको बताई ही कि प्लास्टर का यूज़ किया जा रहा है, जिप्सम का यूज़ किया जा रहा है ना।
अब चलो और कुछ और चीज़ें देखी हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है कि इनकी जो भी स्क्रिप्ट्स है, जो भी स्क्रिप्ट्स है वो क्या है, उनको अभी डेसिफर नहीं किया गया है। मतलब डेसिफर क्या नहीं किया गया, मतलब अभी तक उनकी डिकोडिंग नहीं हो पाई है। ठीक है, डिकोडिंग नहीं हो पाई है मतलब अभी तक जान नहीं पाए हैं कि उन्होंने लिखा क्या था। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, लेकिन एक चीज़ मैं आपको टर्म यूज़ करूँ, बॉन्स्टोफेडॉन। ठीक है, बॉन्स्टोफेडॉन मतलब जानते हो क्या होता है, हम जैसे मैं और आप जब लिखते हैं, अगर मुझे ऐश्वर्या लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगी ना, ऐश्वर्या ऐसे करके, और फिर मैं लिखूंगी ऐश्वर्या इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है, गुड गर्ल करके। तो अगर मेरी, जब मुझे अपने बारे में दूसरी कुछ चीज़ लिखनी होगी कि आई लाइक टू ईट मैगी, तो मैंने क्या किया, मैं आपके इधर लेफ्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, राइट पे एंड कर रही हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जब मुझे लिखना होगा तो मैं फिर लेफ्ट से स्टार्ट करूँगी और राइट पे एंड करूँगी। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके बॉन्स्टोफेडॉन की बात करते हैं तो उसमें कुछ इस तरीके से लिखते हैं, अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे, अगर हमारा एंड हो रहा है तो फिर हम दूसरा शब्द यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो कुछ राइटिंग इस तरीके की होती है, देखो इस तरीके की, समझ रहे हो? बोलो, समझ में आ रहा है सबको? नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे बोलोगे, टेलीग्राम पे बताओगे कि मैम आपने जो वो स्लाइड बताई थी ना उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार रिपीट कर, मैं रिपीट कर दूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी राइटिंग होती है। जैसे मैंने कहा ऐश्वर्या इज़ अ गुड गर्ल, फिर यहाँ पे शी लाइक्स मैगी, अगर मुझे लिखना होगा तो मैं यहीं से लिखूंगी, शी लाइक मैगी। ठीक है, ऐसे लिखूंगी। चलो बताना किसी को कहीं भी दिक्कत होगी। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से, थोड़े इनके कल्चर की बात करते हैं कि किस तरीके से जो इनके यहाँ जो लाशें होती थी या जो भी डेड बॉडीज़ होती थी उनका ये क्या करते थे। कहीं कहीं एविडेंसेस मिला है कि ये डेड बॉडीज़ को, एक मिनट में आपको बताऊँ, डेड बॉडीज़ को कहीं कहीं मिला है कि ये जला दिया करते थे, मतलब दाह संस्कार कर दिया करते थे, जैसे हिंदू में होता है, मतलब उनको जला दिया करते थे। फिर उनकी जो एशेस बसती थी, जो राख बसती थी, उसको एक मटकी में डाल के उसको गाड़ दिया करते थे। फिर दूसरी कुछ कुछ जगह मिलता है कि उनको पूरी तरीके से शव को उनके गाड़ दिया जाता था, मिट्टी में एकदम उनको दफना दिया जाता था। तीसरी जगह आपको मिलता है कि कहीं कहीं एविडेंसेस कि उनकी जो लाशें हुआ करती थी उसको पहले छोड़ दिया जाता था कि ताकि पशु और पक्षियाँ, जो भी एनिमल्स और बर्ड्स हैं, वो उनको खा ले। उसके खाने के बाद जो भी थोड़ी बहुत सी चीज़ें जो मिलती थी, जो शेष बचता था उस बॉडी का, उसको वो ले जाके गाड़ दिया करते थे। ठीक है, और क्या बात है, देखो सुरकोडा की अगर हम बात करें वहाँ पे अंडाकार साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लेकिन जब हड़प्पन, मतलब अंडाकार साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहाँ पे ताबूत मिला है आपका। अभी मैं बताती हूँ, मेनली आपके जो लाशें थी ना उनको नॉर्थ टू साउथ गाड़ा जाता था। ठीक है, मतलब जो डेड बॉडी थी उसका जो सर था वो किस साइड रहता था, नॉर्थ की तरफ, और उसका पैर आपका दक्षिण की तरफ। ठीक है, इस तरीके से गाड़ा जाता था। ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन एक जगह आपका कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपकी डेड बॉडी अगर हम बात करें तो वो आपके दक्षिण टू पश्चिम, मतलब साउथ टू नॉर्थ गाड़ी जा रही है, वो आपका जैसे कालीबंगा है। ठीक है, ये चीज़ कुछ चीज़ें आप लोग याद रखो। अब डेड बॉडीज़ को तुम लोग देखो, अभी तुम लोग जानोगे। ठीक है, यहाँ पे जो डेड बॉडी गाड़ी गई है इसके साथ कितने ढेर सारे बर्तन भी गाड़े गए हैं। ठीक है, कुछ जगह जानवर भी डेड बॉडीज़ के साथ गाड़ दिया जाता था। देखो ये राखी गरी की आपकी एक इमेज है जहाँ पे ये विमेन का स्केल्टन है। ठीक है, विमेन का स्केल्टन जिसके साथ इतने बर्तन वर्तन भी गाड़े गए हैं। चलो, ग्रेट बात मैंने आपको दिखाया हुआ है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में मैंने आपको बताया ही कि आप क्या मोहनजोदारो लिखोगे, योगी लिखोगे, डांसिंग गर्ल लिखोगे, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता ही दी। ये देखो ये पेयर है, मतलब दो लोगों को एक साथ गाड़ा गया है। देख रहे हो किस तरीके से, यहाँ पे भी देखो पेयर ब्यूरियल है। ठीक है, मतलब दो लोग एक साथ गड़े हुए हैं फोटोज से ना, ये देखो। चलो, एक चीज, खेल खेल में एक बात याद आ गई
कि सबको मरने मराने के बाद ये फ़ोटो आई है। मैंने आपको बताया है कि ये लोग गेम वेम भी खेलते थे। तो देखो कुछ इस तरीके से आपको छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने मिले हैं। तो अगर ये खिलौना आपको मिला है तो कहीं ना कहीं आपको ये तो एविडेंस मिलेगा ही ना गाइस कि ये लोग आपके इस तरीके का व्हील का यूज़ किया करते थे, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते थे एक सामान को दूसरे जगह तक पहुँचाने के लिए। देखो ये चेस मिला है, चेस तो इसका मतलब क्या, वो लोग चेस भी खेला करते थे भाई, वहीं के एविडेंसेस हैं ये सब, एंटरटेनमेंट करते थे। अब यहाँ पे कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए हैं आपके, उन प्लेसेस में क्या क्या चीज़ें आपके इम्पॉर्टेंट है वो है, तो ये चीज़ आप लोग भी अपनी तरफ से पढ़िएगा। जैसे हड़प्पा में, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी, ठीक है, रावी नदी के तट पर, ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर 1921 में दयाराम साहनी ने इसको पहली बार खोज की थी। यहाँ पे आपके कॉफिन मिले हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्रेनरीज मिली हुई है, कॉपर बुलक कार्ड आपका मिला हुआ, टेराकोटा की फिगर्स मिली हुई है, स्टैंड स्टोन स्टैचू ऑफ ह्यूमन मिला हुआ है, ठीक है, क्यूबिकल लाइम स्टोन वेट्स मिले हुए हैं, पॉटरी मिली हुई है। ऐसे ही जब हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, जिसको कि मौत का किला भी कहते हैं ना, आप लोग पढ़ते होंगे मौत का किला, ठीक है, ये सब चीज़ें 1922 में, ठीक है, आर डी बनर्जी, यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला हुआ है, ग्रीनरी मिली हुई है, यूनिकॉर्न सील मैंने आपको दिखाया है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मैंने आपको दिखाया है, सील ऑफ अ मैन विद डियर एलिफेंट राइनोज पशुपति की सील यहाँ मिली है, स्टेटाइट स्टेटस ऑफ बियर्ड मैन मैंने आपको दिखाया, ये भी दिखाया ना मैंने, कौन है ये आपके प्रीस्ट की बात हो रही है, पुरोहित की बात हो रही है, ब्रॉन्ज बुफैलो मिला हुआ है आपका, ठीक है, ये सब चीज़ें कुछ आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा और इसको पढ़िए। जैसे मैं चांदहुदारों की मैं बात करूँ, ठीक है, चांदहुदारों की बात करूँ तो यहाँ पे आपके बैंगल फैक्ट्री मिली है, मैंने तो चांदहुदारों में आपको बताया ना बीड्स की भी फैक्ट्री मिली है ना, आपकी बीड्स की फैक्ट्री मिली हुई है, ये सब चीज़ें आप लोग याद रखोगे। चलो ऐसे ही लोथल की जब हम बात करते हैं तो आपके पेपर में बोलता है कि देखो डॉक यार्ड मिला है यहाँ पे, फायर एल्टर मिला है, चेस प्लेइंग मिला हुआ है, पोर्ट है यहाँ पे आपका, ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा की जब हम बात करते हैं तो जुता हुआ खेत की बात करते हैं ना, जुते हुए खेत मतलब खेती हुई है, यहाँ पे अर्थक्वेक के भी एविडेंसेस मिले हैं कालीबंगन में आपके, ठीक है। चल ऐसे ही ये चीज़ आप लोग एक बार देखिएगा, इसको पढ़िएगा। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्यूटेड होता है, रिलीजन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मैंने आपको, मैं कुछ चीज़ें बताऊँ, पशुपति की मिली हुई है आपका, ठीक है, पशुपति सील हमने आपको बताया, मदर गॉडेस मिली है, ठीक है, मदर गॉडेस की इमेज कुछ इस तरीके से है कि दिखाया गया है कि उनके गर्भ से पेड़ निकल रहा है, पेड़, ठीक है, तो मदर गॉडेस की इमेज मिली हुई है। मैंने आपको बताया है ये लोग ताबीज़ पहनते थे, यूनिकॉर्न सील के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि यूनिकॉर्न सील में ही माना जाता है कि बहुत पूजनीय थी। यहाँ पे ये लोग पीपल ट्री और फायर की बात की गई है, ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा, आइडल वर्शिप वॉज प्रैक्टिस नॉट अ फीचर, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ये होता नॉट अ फीचर ऑफ द आर्यंस, ये चीज़ याद रखना, बट दे डिड नॉट कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स, ठीक है, टेम्पल्स उन्होंने नहीं कंस्ट्रक्ट किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, जिसको मैं इंपॉर्टेंट कह रही हूँ वो अपने दिमाग में बिठा लेना, कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं है यहाँ पे, नो कास्ट सिस्टम, ठीक है, नो कास्ट सिस्टम। चलो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है, किस तरीके से सिस्टमेटिक मेथड ऑफ वेट एंड मेज़र का यूज़ किया जा रहा है, पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट्स हैं मतलब मेरी पिक्चर्स के थ्रू इनकी राइटिंग है, बॉस्ट्रोफेडॉन के बारे में मैंने बताया है, बॉस्ट्रोफेडॉन क्या है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, मतलब जहाँ से एंड होता है वहीं से शुरुआत हो जाती है, लेकिन अभी इसको डिसिफर नहीं किया गया। इक्वल स्टेटस मेन एंड वेमेन को दिया गया है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी किस बेसिस पे हम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिटाडेल के एविडेंसेस मिले हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो लोअर सिटी है ना वो थोड़ी आपकी कंजेस्टेड अनजेस्टेड है, ठीक है, और सिटाडेल वेल प्रॉपर वे में है, तो होता है शायद वहाँ पे वो। टेक्सटाइल की बात मैंने की ही है, आपने जैसे टेक्सटाइल की बात करोगे आपको याद आएगी, प्रीस्ट की बात करोगे ना, आपको मैंने प्रीस्ट की फ़ोटो दिखाई थी, प्रीस्ट की बात करोगे। थ्री टाइप ऑफ ब्यूरियल सिस्टम मैंने आपको बताया, जलाया भी गया है, गाड़ा भी गया है, और फिर उसके बाद लोगों को मतलब जानवर वानवर की बॉडी छोड़ने के बाद जो बचा हुआ है उसको वो कर दिया गया है, ठीक है। मेनली यहाँ के जो लोग थे ना, मैंने दिखाया कि बड़ी बड़ी आँखें हुआ करती थी, बड़ी बड़ी नाक हुआ करती थी, और बड़े बड़े कोट हुआ करते थे, तो कुछ इनका जो वो है तो मंगोलॉइड्स की तरह ये लोग दिखते हैं, ये सब चीज़ें बताई गई है।
ठीक है। तो क्लास आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, फिर हम लोग कल आपसे मिलेंगे और कल मैं कुछ करंट के टॉपिक्स आपको इससे रिलेटेड बताऊंगी और कुछ क्वेश्चंस करूंगी। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, डू इन्फॉर्म मी आपको ये क्लासेस कैसी लग रही, आप मुझे बताओ। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे आप बताओ, तो कुछ आप बताओगे तो मैं उसमें चेंजेस करूंगी। अगर आपको कुछ इंक्लूड कराना है तो मैं इंक्लूड करूंगी। अगर आप कुछ एडवाइस दोगे जो मुझे लगेगा यस ये एक यूज़फुल एडवाइस है, बच्चों को इससे बेनिफिट होगा, तो वो सब चीज़ें मैं इंक्लूड करूंगी। तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, उस पर मुझे बताओ, और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बताएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, गुड लक। और इसी तरीके से मैं आपका आर्ट एंड कल्चर पूरा कंप्लीट करा दूंगी, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। नोट्स की बात आप सब ने की थी, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक यू सो मच, ठीक है। अब मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ। अपने यूज़फुल व्यूज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करिए ताकि मुझे ये भी पता चले कि आपको पसंद आ रहा है मेरा एफ़र्ट्स कि नहीं।